तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पैंट की कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने कपड़ा लिया है वो लिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 1 बीस। और दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं आपको इसका नाप। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह 39 इंच और जो कमर है वह है 33 इंच, हिप है 40, रान है, रान यानी थाई वह है 24 इंच, मोरी है 16 इंच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम यहाँ पर इस तरीके से हमने अपने कपड़े को उल्टा करके बिछा दिया, जिधर हमारे निशान लगाएंगे वो उल्टा कपड़ा होना चाहिए। और इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, एक यहाँ और एक ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है अपनी, तो हमें यहाँ पर 1 इंच निकालना होगा इस निशान से, इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी जो भी लंबाई है, जैसे है हमारी लंबाई 39 इंच, तो हम यहाँ 39 इंच पर निशान लगा देंगे और 2.5 इंच लगाएंगे नीचे फोल्ड के लिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर अपनी हिप यानी लटक का निशान लगाना होगा। तो दोस्तों लटक हमारी होगी हिप के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे हमारी हिप है 40 इंच, ठीक है, तो इसकी हिप जो 40 है तो हम यहाँ पर 1 इंच निकालेंगे ऊपर को, ठीक है, और यहाँ पर 40 का चौथाई कर लेंगे, ठीक है। तो 40 का चौथाई होता है 10 इंच, तो हम यहाँ पर निशान 10 इंच पर लगा देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाना लंबाई का, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 7.25 इंच पे और यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच पे। और हमारे यहाँ पर जो भी कमर है, जैसे कमर है हमारी 33 इंच, तो हम यहाँ पर 33 लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लगा लेते हैं हम निशान। तो दोस्तों ये हो गया हमारी लटक का निशान, यहाँ पर हो गया पॉकेट का, ठीक है। पॉकेट का साइज आप रखेंगे इसके मुंह का 6 इंच यहाँ पर। तो दोस्तों और नीचे निशान लगाएंगे हम, वो लगाएंगे एक लंबाई का इस तरीके से। उसके बाद में लगाएंगे एक नीचे जो फोल्ड करेंगे 2.5 इंच का, तुरपाई होती है जिसमें। उसके बाद हमारी जो यहाँ पर रान है यानी थाई, कुछ लोग रान के नाम से नहीं जानते हैं, काफी कमेंट आती है कि रान क्या होती है, तो दोस्तों थाई को बोलते हैं रान, ठीक है। तो यहाँ पर रान है हमारी 24 इंच, तो हम यहाँ पर 24 का हाफ कर लेंगे 12 इंच, और फिर यहाँ पर फलाई का पीछे को निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, ठीक है। अब यहाँ से हम हल्का सा डाउन करेंगे यानी राउंड घुमाएंगे इस तरीके से, इस फंटी से। उसके बाद में 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, मार्जिन का निशान लगाएंगे। उसके बाद में कमर है हमारी 33 इंच, तो हम 33 का चौथाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1/4 इंच, और यहाँ पर 1/2 इंच देंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम स्केल से एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर दे देंगे गोलाई, और गोलाई जहाँ से हमारी शुरू होती है इससे हल्का सा ऊपर जाके यहाँ पर लगा देंगे फलाई का कट जो हमारा लगता है। उसके बाद में 1/2 इंच हम अपने सामने को डाउन करेंगे इस तरीके से। तो हमने ऊपर जैसे हमारी थाई थी 24, तो हम यहाँ पर भी हम 24 का हाफ कर लेंगे यानी 12 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और 12 का हाफ करेंगे 6 इंच, ठीक है। मोरी है हमारी यहाँ पर 16 इंच, तो हम यहाँ पर जो बीच का सेंटर है हमारा ये वाला, इस सेंटर से हम यहाँ पर 4 इंच पे रख देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, यानी हमारी मोरी बीच सेंटर में हो गई 16 इंच, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस स्केल से इस शेप फंटी से हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर लगा देंगे हम निशान, और यहाँ पर करेंगे हल्का सा क्रास, उसके बाद में हम यहाँ पर भी एक निशान लगा देते हैं, यहाँ पर भी हल्का सा क्रास कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम कर लेते हैं दोस्तों इसकी कटिंग। अब एक कट हम यहां पर जो हमारी लंबाई का निशान है, यहां पर हल्का सा आपको कट लगा देना है, यहां फलाई पे कट लगाएंगे, यहां पॉकेट पे, यहां पर 1/2 इंच का कट। तो दोस्तों हमने यहां पर सामने को बिछा लिया है इस कपड़े पे, ठीक है, इस तरीके से बिछा लिया है। यहां से आप कम से कम 4 इंच का गैप रखेंगे। उसके बाद में यहां पर नीचे लगा देंगे एक निशान इस तरीके से, और यहां पर लटक का निशान लगाएंगे। और दोस्तों अब हमारा ये सामना है, इस सामने से हमें यहाँ पर करीब 1/4 इंच ऊपर उठाना है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे निशान। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच का हमारा जो ये निशान लगाया था हमने मार्जिन का, उसके बाद हमारी कमर का चौथाई कर लेंगे। जो कमर है हमारी 33 इंच, तो 33 का चौथाई हमारा हो गया
1.25 इंच, तो हम 1.25 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। 1 इंच का लगाएंगे जो पीछे हमारी प्लेट होती है उसके लिए, और यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का बैग में जो सीट में हम फोल्ड करते हैं कमर जहाँ जुड़ाई होती है, ठीक है। अब हमारे दोस्तों ये हिप है, ठीक है, यहाँ पर इसकी लटक है। अब हमारे हिप का निशान लगाना है तो इसके बीच में लगाना है, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे एक आइडिया से बीच में, और उसके बाद में हमारी जो हिप है 40 इंच, तो हम 40 का चौथाई कर लेंगे 10 इंच, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लूजिंग देना है। तो दोस्तों हमारी ये फिटिंग की पैंट है, तो ठीक है, तो हमें फिटिंग की पैंट में यहाँ पर लूजिंग देना है 2.25 इंच। अगर आपकी पैंट यहाँ पर प्लेटो वाली है और या आप लूज पैंट पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ दें, ठीक है, लूजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कितना निशान लगाना है, इस सामने से बैग में लगाना है 1.25 इंच का। अब हमारे यहाँ पर निशान लग चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इस शेप पंटी से इस तरीके से निशान लगाना है जैसे हमने अपने सामने में लगाए थे, इसी तरह हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर हल्का सा क्रास करेंगे, ज़्यादा क्रास नहीं करना है, बहुत हल्का सा क्रास करना है, करीब 1 सूत। उसके बाद में हमारा यहाँ पर जो मार्जिन है ये वाला निशान के आगे जो कपड़ा है इसको इस तरीके से स्केल रखेंगे और यहाँ पर करीब इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। ये इसलिए छोड़ते हैं कि अगर हमारी पैंट टाइट हो जाए कुछ भी तो हम यहाँ पर लूज़ कर सकें थोड़ी बहुत। और यहाँ पर दे देंगे हम गोलाई, फिर हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग, ये हम जो निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर भी निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमें क्या करना होगा, इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर हो चुकी है कटिंग कंप्लीट। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।